29 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य है, मिथ्य बच्चे संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण देहद का संन्यास करते हो? उत्तर है, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामानुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी यह दुनिया वर्थ नॉट अ पैनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक और मृत्यु लोक का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी हो बैठो। यह निश्चय करना है हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है लक्ष्मी नारायण या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, न किसको कहते हुए देखा जो कहे बच्चों तुम आत्म अभिमानी हो बैठो। यह निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? बेहद का बाप निराकार शिव। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतु प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे, सतयुग में विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले, सीढ़ी उतरते उतरते सतु प्रधान से सतु रजु तमो में आए हैं। पहले सतु प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती है, मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते थे, ब्लाइंड फेथ था, सिवाय जानने के किसकी पूजा करना व याद करना, उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। और अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वह कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भी भ्रष्ट है। बाप समझाते हैं वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते। इसलिए नाम बदल हिंदू धर्म रख दिया है। यह भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार, सभी एक बाप को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वह एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं। अब आत्मा बिंदी की पूजा हो ना सके, इसलिए
उनको बड़ा बनाते हैं, पूजा के लिए समझते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है वह नहीं जानते। यह सब बातें बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया है। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य है शूद्र। तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। यह मृत्यु लोक पतित दुनिया है। नई दुनिया वह थी जहाँ यह देवी देवताएं राज्य करते थे। एक ही इनका राज्य था। यह सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमोप्रधान दुनिया है। अनेक धर्म है। यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको समझाते हैं। यह है गॉडफादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमर लोक का देवता बनाना। इनको अमर कथा भी कहा जाता है। तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो। वहां कभी काल खा नहीं सकता। मरने का वहां नाम नहीं। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो ड्रामा के प्लान अनुसार। भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना। समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। वह तो सब है मनुष्य। मनुष्य तुम राम राज्य स्थापन कर ना सके। राम राज्य कहा ही जाता है सतयुग को। इन बातों को कोई जानती नहीं है। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दिन अर्थात सतयुग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है। सतयुग में भक्ति नहीं होती है। ज्ञान भक्ति वैराग्य यह बाप समझाते हैं। वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वालों का। वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। अब तुमको तो बेहद का सन्यास करना है सारे मृत्यु लोक का। बाप कहते हैं, यह सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। जो मिसल टिक टिक होती रहती है, जो कुछ होता है, फिर कल्प 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहां हम यह नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाप कहते हैं, हाँ कहां भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है। बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ यह समझना होता है, हम सतोप्रधान विश्व के मालिक थे। तब सतोप्रधान थे, अब तमोप्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पैनी बन पड़े हैं। अब फिर हम पाउंड कैसे बने। अब कलयुग है, फिर जरूर
सतयुग होना है। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, 7 दिन का कोर्स समझना है। कैसे हम सतु प्रधान से तमु प्रधान बने हैं, काम चिता पर बैठ तमु प्रधान बने हैं, अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतु प्रधान बनना है। वर्ल्ड किंग हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है ना। अभी है संगम युग, फिर सतयुग होगा। अभी हम कलयुगी विशेष बने हैं, सो फिर सतयुगी वाइसलेस कैसे बने? उसके लिए बाप रास्ता बताते हैं, पुकारते भी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ जो कल्प पहले बने थे, उन्होंको ही फिर बनना है। बाप समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। ऐसे नहीं तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे, नहीं। सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं, तुम नंगे यानी अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। याद तुम कहां भी कर सकते हो। 7 रोज में समझाना होता है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहां भी मुरली जाती है। यह स्कूल है ना, वास्तव में यह है गॉडफादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हमसो का अर्थ बाप ने बहुत सहज रीति समझाया है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। बाप कहते हैं सब में व्यापक है आत्मा। मैं कैसे व्यापक होऊंगा? तुम मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती हैं। हर एक अकाल मूरत आत्मा का तख्त है। यह तख्त कहो अथवा रथ कहो, बाप को तुम रथ है नहीं। वह निराकार ही गाया जाता है। न सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। रथ बगैर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ। टेम्परेरी लोन लिया है। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाप ही सृष्टि के
आदि मध्य अंत का रास बताएं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं और कोई मनुष्य यह नॉलेज जान नहीं सकते। इस समय सब नास्तिक है, बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है। अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। तुम ही इस ज्ञान से फिर यह इतना ऊंच पद पाते हो। यह ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाप संगम पर ही आकर यह ज्ञान देते हैं। सदगति देने वाला एक बाप ही है। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे ना सके, वह सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के। सतगुरु एक ही है, उनको कहा जाता है वहां सतगुरु वहां। इनको पाठशाला भी कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वह सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को सम्मुख आकर पढ़ाता हूँ, जिससे तुम यह पद पाते हो। इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। बाप की याद में रहना है, इसी में ही माया विघ्न डालती है। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। यह नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी मुरली मिस ना हो। मुरली मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ जाती है। मुरली से कहां भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे। श्रीमत पर चलना पड़े, बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते हैं पवित्र जरूर बनना है। वैष्णव होकर रहना है। वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं। वैष्णव वल्लभाचारी भी होते हैं, परंतु विकार में जाते हैं। पवित्र तुम है नहीं, तुम पवित्र बन विष्णु वंशी बनते हो। वहां तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। वह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। यहां विकार में जाते हैं। अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहां विकार होता नहीं। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वह दोनों आपस में लड़ते हैं। माखन बीच में तुमको मिलता है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। सभी को यही पैगाम देना है। छोटे बच्चों का भी हक है। शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो सबका हक है। सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे शिव बाबा को याद करो। सिवाय शिव बाबा के दूसरा ना कोई। एक की याद से ही तमु प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो। इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए। कहां भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। यह पढ़ाई इतनी सहज है। योग अथवा याद से बल मिलता है। तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो। बाप राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं। वह है हठ योग, यह है राजयोग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए।
इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना। खान पान की भी परहेज चाहिए और दूसरी बात, बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। अगर राजाई ना ली तो गरीब बन जाएंगे, श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे, भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है उसके लिए बाप को याद करना है। कल्प पहले भी तुमने ही यह ज्ञान लिया था जो फिर अब लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, उसको कहा जाता है सुख धाम। अभी यह है दुख धाम, और जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वह है शांति धाम। शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हो उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं, समझते नहीं यह तो बाप का ही काम है। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। एक धक से वो लोग कितनी दवाइयां आदि निकालते हैं पैदाइश कम करने लिए। बाप के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होनी है। वह समय आएगा सब कहेंगे यह तुम पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मन मना भव की, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है, खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। दूसरा, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सतुप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। वरदान है जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा, और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन है स्वभाव।